झारखंड के पूर्व खाद्य मंत्री सरयू राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरयू राय पर अपने एनजीओ युगांतर भारती को मंत्री रहते लाभ पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में अब एसीबी प्राथमिक जांच कराना चाहता है और इसके लिए एसीबी ने निगरानी विभाग से अनुमति मांगी है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। मुश्किल में विधायक सरयू राय, केस दर्ज करने की तैयारी में एसीबी, निगरानी विभाग से हरी झंडी का इंतजार। निर्दलीय विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसीबी ने सरयू राय के खिलाफ प्राथमिक जांच की तैयारी की है। इसके लिए निगरानी विभाग से इजाजत मांगी गई है। सबसे पहले सरयू राय पर लगे आरोप जान लीजिए। एसीबी में अलग अलग चार मामलों में शिकायत दर्ज है। मंत्री रहते सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, अपने एनजीओ युगांतर भारती के द्वारा धन का दुरुपयोग, मनमाने दर पर वॉइस मैसेज के काम का आदेश देने का आरोप। एसीबी के एक्शन पर सरयू राय खुलकर बोल रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि एसीबी को समय नहीं गंवाना चाहिए, सीधे एफआईआर की इजाजत ली। एसीबी ने कहा, परिवाद में यह है, मैंने युगांतर भारती से अनसिक्योर्ड लोन लिया है। अब एसीबी के लोगों को विचार करते समय मेरा इनकम टैक्स रिटर्न मांग लेते, युगांतर भारती का इनकम टैक्स रिटर्न मांग लेते, उसमें उन्होंने कुछ मुझे दिया है और मैंने कुछ दिया है, ये पता चल जाता। इसके किए बिना ये पी मांग रहे हैं तो ये इनकी कार्य पद्धति पर सवाल खड़ा होता है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल के नेता फिलहाल कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने जरूर सरयू राय का बचाव किया है। मुझे लगता है, देखिए, उनकी जो एक छवि है, शुरू से हम लोग देखते रहे, वो एक ईमानदार छवि है। वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, बल्कि गलत कहीं अगर हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये जांच का विषय है, क्योंकि देखिए, जो सरकार में होते हैं उनके पास तरह तरह के फाइल्स आते हैं, तरह तरह का काम होता है। आरोप लगा देने से ही नहीं होता है, उसकी जाँच होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने किया। उन्होंने तो कहा है कि नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ी ऐसी उन्होंने नहीं की है। सरयू राय जी बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, उनका मामला सही बात बोल रहे हैं, मैं उनको समर्थन करता हूं। विशेषकर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो गैर संवैधानिक, जो हमारा संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक संस्थान, उनका दुरुपयोग करते हुए अपने इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध का जो काम कर रही है, इसका खिलाफ में हम लोग धरना में बैठे। वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरयू राय पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो बीजेपी विधायक अमित मंडल की दलील है कि उन्होंने अगर गलत नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं है। कि 5 साल वो मंत्री थे तो मलाई खा रहे थे घोटाला का, किसी ने कोई फाइल न वित्त मंत्रालय भेजा न कैबिनेट भेजा, अपने मन पर ही मनोन के आधार पर उसने हार पत्रिका दे दी। और आप अपने बोकारो में पूछो कोई राशन दुकान वाले से, किसी को हार पत्रिका मिला है? आप इंक्वायरी कर लो। अब एसीबी को क्या इनपुट मिला है, किस आधार पर कार्रवाई हुई है, वो तो मैं नहीं कह सकता। अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है उनके पास इनपुट हो, लेकिन मेरा फिर ये मानना है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन सरयू राय के बहाने झारखंड में सियासत जरूर शुरू हो गई है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ खबर झारखंड में इतना ही। आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।